हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं मोबाइल टेक्नीशियन। दोस्तों, आज मेरे पास फिर से एक पार्सल पोको एक्स टू का रिसीव हुआ है जो कि बिहार जहानाबाद से मेरे को आया है। और इस मोबाइल में कैमरे का प्रॉब्लम है, कैमरा वर्क नहीं कर रहा है, तो इसलिए इन भाई ने मेरे से कांटेक्ट किया और फिर मेरे को पार्सल सेंड किया कैमरे के प्रॉब्लम को रिपेयर करने के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बता दूँ, इन भाई को जब ये प्रॉब्लम हुआ तो इन्होंने सर्विस सेंटर में भी इसको दिखाया था, तो वहाँ मदरबोर्ड रिप्लेस करने की बात हुई थी, तो जिसका चार्ज 8,000 से 10,000 तकरीबन बताया गया था, बट ये मेरे पास आया है। तो इसको डिसेंबल करते हैं और फिर देखते हैं इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। सीपीयू से हुआ तो सीपीयू भी रिवॉल्व करेंगे, तो देखते हैं फ्रेंड, वीडियो में बने रहे अंत तक का। फाइनली मैंने हैंडसेट को डिसेंबल कर लिया है और मैंने इसमें दूसरा कैमरा, जो नया कैमरा है, मैंने इसमें लगा के और इसको अभी हम चेक करेंगे, कहीं कैमरे का इशू होगा तो इसे सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, सेट हमारा बूटिंग में है, अभी जैसे ही ओपन होता है हम चेक करेंगे दूसरे कैमरे पे काम कर रहा है कि नहीं। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये कैमरा काम कर रहा है दूसरे कैमरे को लगाने के बाद, लेकिन यहाँ पे दिक्कत है कि ये फंस भी रहा है, थोड़ा देर के बाद जो है ये हैंग कर जा रहा है। आप देख सकते हैं अभी तो ये वर्क कर रहा है, बट क्या है कि ये थोड़ा फंस रहा है, यानी काम करना बंद कर दे रहा है। अभी ये हैंग कर गया है, बिल्कुल काम नहीं कर रहा है कैमरा, आप देख सकते हैं, यानी कैमरा इसका सही है। जो भी इसका इशू है, मदरबोर्ड का दिक्कत है इसमें, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है और वो है सीपीयू रिवॉल्व करना। तो इसको हम सीपीयू रिवॉल्व करेंगे, बहुत ही प्रोटेक्शन के साथ रिवॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कैमरा वर्क नहीं कर रहा, जबकि मैंने दूसरा नया कैमरा इसमें डाल के चेक किया हुआ है, फिर भी ये काम नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये कैमरे का इशू नहीं है, अभी हमें सीपीयू रिवॉल्व करना ही पड़ेगा और बहुत ही प्रोटेक्शन के साथ हम रिवॉल्व करेंगे। तो वीडियो में बने रहें और देखते हैं कैसे रिवॉल्व होता है सीपीयू ना।
फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सीपीयू को रिवॉल्व कर लिया है और हमारा मदरबोर्ड भी क्लीन हो चुका है। अभी हमारा टाइम है सीपीयू फिक्स करने का, तो मैं यहाँ पे टेम्परेचर यूज़ करने जा रहा हूँ 350 और एसएमडी है हमारा क्विक 2008। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कितने अच्छे तरीके से मदरबोर्ड को कवर किया हुआ है हीटिंग टेप के, सिल्वर टेप के थ्रू, ताकि हमारा सेट डेड ना हो, क्योंकि इसके नीचे भी पावर आईसी वगैरह लगे हुए हैं और सारे आईसी लगे हुए हैं, एमएमसी है, इनको कवर करना, प्रोटेक्शन देना बहुत ज़रूरी होता है। शायद यही वजह है कि मेरा हर काम सक्सेस होता है, क्योंकि मैं बहुत सावधानी से करता हूँ। तो गाइस, फाइनली मैंने सीपीयू फिक्स कर लिया और सेट को भी फिट कर लिया है। जो भी नट वगैरह थे, इसके सारे चीज़ मैंने अच्छे से फिक्स कर दिया, हर चीज़ इसमें सेट कर लिया है। अभी हमारा टाइम है चेक करने का, तो इसको सेट बूटिंग हो रहा है। जब तक का आप देख सकते हैं सेट हमारा ऑन है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हमारा सारे सप्लाई इसके ओके थे, मैंने सारा चीज़ चेक करके उसके बाद ही सेट को अच्छे से फिट किया। तो अभी जैसे ये ऑन होता है तो हम चेक करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा, जो भी मैंने इसमें ट्रिक अपनाया, जो भी मैंने इसमें वर्क किया, कितना सावधानी से और सेफ्टी के साथ किया, वो इसलिए कि आपका सेट डेड ना हो और आप तक जो है सही सलामत पहुंच जाए। क्योंकि आपका सेट अगर आप मेरे को भेजते हैं, तो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अच्छे से फिक्स करके, सेट को प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके आप तक पहुँचाना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फ्रेंड्स, सेट यूआई एमआई यूआई में लोगो में है। अभी जैसे ही ओपन होगा तो हम कैमरा चेक करेंगे कि हमारा कैमरा वर्क कर रहा है कि नहीं, क्योंकि ये सेट जहानाबाद से मेरे को आया है बिहार से, कैमरे के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आप, अभी हमने कैमरा ऑन किया है, देखते हैं इसका क्या रिस्पॉन्स मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं बैक कैमरा काम कर रहा है, फ्रंट कैमरा भी हमारा वर्क कर रहा है अच्छे से, जो कि पहले हैंग कर जा रहा था। यहाँ पे कोई इशू अभी मेरे को नहीं दिख रहा है और इसके सारे सप्लाई भी ओके थे। तो उम्मीद करते हैं ये प्रॉब्लम हमारा सॉर्ट आउट हो गया है और ये अच्छा चलेगा। बहुत सारे मेरे भाई क्वेश्चन करते हैं कि कितना दिन चलेगा, तो भाई ऐसा नहीं है, बहुत बेहतर इसका लाइफ है, बहुत बेहतरीन ये चलेगा, वर्क करेगा, इसके लिए टेंशन ना ले। और अगर किसी भी भाई के पास सैमसंग का मोबाइल है, हैंग ऑन लोगों में है, M30, M31S, A50, A50S, ये सारे अगर सैमसंग का जो भी मोबाइल है लोगों में है, तो उसको भी आप मेरे को पार्सल कर सकते हैं। इसके अलावा पोको X2, X3 या जो भी हो, आपके पास जैसा भी फ़ोन हो, अगर प्रॉब्लम है तो आप मेरे को भेज सकते हैं पार्सल और घर बैठे अपना मोबाइल बहुत ही कम खर्चे में रिपेयर करा सकते हैं। अब इन भाई का पार्सल पैक कर दिया जाएगा और इनके तक पहुंचा दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।